यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से पेपर लीक पर होगी जेल। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी यहाँ पर अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर देखिए ये पहली बार सभी केंद्र व्यवस्थापकों, बाहरी केंद्र व्यवस्थापकों एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को परीक्षा संपादन के लिए प्रशिक्षित किया गया है। 3.11 लाख कक्ष निरीक्षकों को सुरक्षित QR कोड एवं क्रमांक युक्त कंप्यूटराइज्ड परिचय पत्र जारी किया गया है। इससे फायदा ये होगा कि कोई भी छात्र अपनी मन मर्जी से किसी भी केंद्राध्यापक को अपने कमरे में नहीं लगवा सकता, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो है प्रदेश के 8,265 केंद्रों पर गुरुवार से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए योगी सरकार ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म तक अराजक तत्वों की कड़ी निगरानी की जा रही है। परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने की कोशिश करने वाले जेल भेज जाएंगे। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार ने दी। और पिछली बार आप जानते हैं कि इंग्लिश का पेपर उत्तर प्रदेश बोर्ड का लीक हो गया था। और देखिए वह बुधवार को लोकभवन सभागार में बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पहली बार QRT गठित की गई है जो उन लोगों पर तत्काल कार्रवाई करेगी जो भ्रामक खबरें फैलाकर गुमराह करने, सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास करते पाए जाएंगे। यानी देखिए अच्छी खबर यहाँ पर यही है कि जो है यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है उस पर इस बार बहुत सख्ती की गई है। बट देखना यह है कि परीक्षा सफल होती है या फिर ये भी RO और यूपी पुलिस इन सब परीक्षाओं की तरह इनका भी जो है नस्ते नाबूद हो जाएगा। मेरे मित्र आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।